नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 11 और मैं हूं आपके साथ शिवानी। हाजिर हूं आप सभी के सामने एक बार फिर बॉलीवुड की चटपटी खबरों के साथ। जी हां, अक्षय कुमार को कौन नहीं जानता, चाहे मिस्टर खिलाड़ी के नाम से हो या फिर न जाने बॉलीवुड से लेकर के उनके फैंस ने उन्हें कितने नाम दे रखे हैं। अक्षय कुमार हमेशा हटके फिल्में लेकर के आते हैं, जैसे पैडमैन हो गई या फिर कितनी फिल्में हैं। नाम गिराने बैठूंगी तो शायद ही बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन अगर हम बात करें उनकी फिल्म 15 अगस्त पर रिलीज हो रही है अक्षय कुमार की ये फिल्म, जिसका नाम है मिशन मंगल, को लेकर के उनके फैंस काफी बेताब है। वही फिल्म मिशन मंगल का ट्रेलर देखकर उम्मीद लगाई गई है कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित होगी। अभी इस फिल्म को लेकर बॉलीवुड का बाजार गर्म ही था कि वही अक्षय कुमार ने कौन नई फिल्म का धमाकेदार घोषणा कर दिया है। जी हाँ, फिल्म का नाम है बच्चन पांडे। अक्षय ने अपने सोशल अकाउंट पर फिल्म का फर्स्ट लुक भी जारी किया है। इसमें उनका लुक बिल्कुल अलग देखने को मिल रहा है। वहीं चंद मिनटों में उनका ये लुक काफी ज्यादा वायरल भी हो गया है। फिल्म के पोस्टर पर अक्षय कुमार लुंगी पहने हुए नजर आ रहे हैं, उनके गले में कई मालाएं भी दिख रही है। वही उनके माथे पर भस्म लगी हुई है, तो वही उनके तेवर और लुक दोनों काफी दमदार नजर आ रहे हैं। अक्षय कुमार फिल्मकार साजिद नाडियाडवाला के साथ लेकर आ रहे हैं। फिल्म का निर्देशन फरहाद सामाजी करते हुए दिखेंगे। वही फिल्म बच्चन पांडे 2020 में क्रिसमस के मौके पर रिलीज होगी। अगर ऐसा होता है तो बच्चन पांडे आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा से टकराएगी। इतना ही नहीं, इसी दिन अजय देवगन और रणबीर कपूर की भी एक फिल्म रिलीज होने वाली है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कौन कौन सी फिल्मों की रिलीजिंग डेट बदलेगी। आपको बता दें कि अक्षय के पास इन दिनों एक नहीं, दो नहीं, बल्कि एक दर्जन से भी अधिक फिल्म उनकी झोली में है। मिशन मंगल के बाद वह हाउसफुल 4, गुड न्यूज, सूर्यवंशी और लक्ष्मी बॉम्ब में भी नजर आएंगे। इनमें से सूर्यवंशी और लक्ष्मी बॉम्ब 2020 में रिलीज होगी। तो जैसा कि सब जानते हैं कि अक्षय कुमार हमेशा हटके फिल्में लेकर के आते हैं, जैसे कि लक्ष्मी बॉम्ब में उनका जो लुक आया था वो भी काफी हटके था। उसके बाद जिस तरह से अभी ये जो उनकी नई फिल्म आ रही है, या फिर अगर मिशन मंगल की बात करें तो उसमें भी वो एक साथ 5-5 अभिनेत्रियों के साथ दिखेंगे। हालांकि अगर हम बात करें अक्षय कुमार की, तो अक्षय कुमार के फिल्मों में वाकई में बिल्कुल अलग देखने को मिलता है, चाहे वो अगर वो आर्मी के ऊपर बनाए या मिलिट्री के ऊपर बनाए। तो इन सब चीजों को लेकर के अक्षय कुमार जो है वो काफी ज्यादा पॉपुलर है, और फैंस से लेकर के चाहे वो राजनेता ही क्यों ना हो, अक्षय कुमार की तारीफ करने से पीछे नहीं हटते हैं। तो ऐसे ही तमाम बॉलीवुड की चटपटी खबरों से रूबरू होने के लिए आप हमें हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और देखते रहें न्यूज 11। नमस्कार। न्यूज 11 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।